हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो बैंक निफ्टी मंथली एनालिसिस। सो गाइस, मंथली एनालिसिस पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने मंथली हम लास्ट वीक की क्लोजिंग कर रहे हैं। रेड कैंडल को मत देखना, ये वाली कैंडल को देखना। ये वाली कैंडल मतलब ये इस मंथ की कैंडल है, इस मंथ की स्टार्टिंग में ही देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है। तो इस मंथ का एनालिसिस हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो जो लास्ट मंथ है जो कि मतलब जुलाई का है, बैंक निफ्टी ने लास्ट मंथ की क्लोजिंग दी थी वो 45,651 की दी थी, और लास्ट वीक की क्लोजिंग से मतलब जून की क्लोजिंग से 903 पॉइंट प्लस में दी थी। और आप इधर देखेंगे 903 पॉइंट में से 655 पॉइंट तो अभी माइनस हो ही गए हैं। देखिए इस वीक यहाँ पे और एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है वीक मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे क्या, मंथली चार्ट पे ज़्यादातर बैंक निफ्टी ऊपर ही चलता रहता है। क्योंकि देखिए तो आप इधर देखेंगे तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल जो खासकर लेवल है 43,666 का लेवल, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्शन बना के और फिर एक न्यू हाई बनाते हुए बैंक निफ्टी हमको दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो जाती है, शूटिंग स्टार एक्टिवेट होगी हमारे पास जब ये 44,888 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, फिर हमारे पास टारगेट ओपन हो जाएंगे 43,666 के लेवल। ज़्यादा बड़े हमारे पास टारगेट आएंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 43,444 के तक बैंक निफ्टी जा सकता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है, अदरवाइज ज़्यादा बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी के आना अभी मेरे ख्याल से संभव नहीं है। एक बार वीकली चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के, आपको वीकली चार्ट पर भी दिखाया था कैसा बन रहा है। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी का भी यहीं पर देखिए जो सपोर्ट का मैंने आपको लेवल बताया 43,666 का लेवल, यहाँ पे बैंक निफ्टी उठा सकता है सपोर्ट। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी कमजोर हो गया बैंक, और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जो मैं इतने दिन से बनाते हुए दिखा रहा हूँ, एक इसके बिल्कुल लेवल पे आके यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के। अब डेली चार्ट पे आपको थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा तो यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर एक हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। पर देखिए स्ट्रॉन्ग शॉट नहीं करना है बैंक निफ्टी को, बस यह है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। SL आपका जो लॉन्ग टर्म के लोगों ने होल्डिंग ले रखी है उनकी 44,888 का उनका SL हो गया। अगर 44,888 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो अपना लॉन्ग टर्म का जो भी है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की पोजीशंस का, और फिर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ शॉर्ट नहीं करना है स्ट्रांगली। क्योंकि पहले को आपको ये देखना है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन बिताए थे इस जगह, देखेंगे तो 4-5 वीक मतलब 2-2.5 महीने बिताए हैं। तो इस लेवल को देखेंगे यहाँ बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। 43,666 के पास आने के बाद डिसाइड होगा कि बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करेगा, अदरवाइज उसके पहले घूम जाता है तो बात अलग है। अगर इस तरफ आता है तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा पेशेंस से बैठना पड़ेगा, और अगर इस रेंज में ही आ गया तो यहाँ पर रुकने के बाद जब इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को हम क्या कर सकते हैं। इससे आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा बैंक निफ्टी को हम पोजिशनली और इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।